मुख्यमंत्री ने रायपुर में ऑक्सीजोन का किया लोकार्पण। 4000 पौधे देंगे शहर के लोगों को ऑक्सीजन। बस्तर जिले के दरभा में 10 प्रवासी मजदूर पाए गए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख पार। मनरेगा के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर। और पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए रायपुर में केंद्र सरकार के सहयोग से पर्यटन मंडल दे रहा है पोस्ट कोविड प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर के हृदय स्थल में 19 एकड़ में बनाए गए ऑक्सीजोन का आज शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजोन में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शिव डहरिया, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, सांसद छाया वर्मा और महापौर एजाज ढेबर भी मौजूद थे। गौरतलब है कि ऑक्सीजोन निर्माण के प्रथम चरण में अभी 12 एकड़ में 4 करोड़ रुपए की राशि से 75 प्रजातियों के 4000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इनमें आम, जामुन, सीताफल, आंवला और अमरूद जैसे फलदार पेड़ हैं। वहीं अमलतास, कचनार, मौलश्री और आकाशनील जैसे फूलदार पौधों को भी शामिल किया गया है। साथ ही यहाँ के 503 पुराने वृक्षों को भी संरक्षित किया गया है। इसके अलावा यहाँ 2 वाटर बॉडी हैं, इनमें से एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित है, जिसमें वर्षा का सारा पानी इकट्ठा किया जाएगा और पौधों की सिंचाई की जाएगी। यहाँ एक झरना भी बनाया गया है, साथ ही बांस से बने 8 पगोड़े भी हैं। जगह जगह पर छोटे छोटे चट्टान और पत्थर से बनी संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऑक्सीजोन में बच्चों के खेलने और व्यायाम के उपकरण भी लगाए गए हैं। यहाँ छोटा गुलाब गार्डन भी विकसित किया गया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि इस बीमारी से 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 20 दिनों में 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 19,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 434 लोगों की मौत हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 81 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा 14 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 2,303 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अभी प्रदेश में कुल 623 मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के 8 जवान भी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दंतेवाड़ा के कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि ये जवान सीआईएसएफ के हैं। सीआईएसएफ के जो जवान हैं जो बाहर से छुट्टी में वापस आए हैं, उसमें 159 हमारे जवान हैं जो वापस आ चुके हैं, जिसमें से 151 का आरटीपीसीआर टेस्ट करा लिया गया है। और जो ये 151 का जब आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, तो इसमें हमारे जो है कुछ कोरोना पॉजिटिव हमको उसमें मिले हैं, और जिसमें कि पहले जो हमारे 3 कोरोना पॉजिटिव पहले मिले थे और आज जो हमें 8 और पॉजिटिव जो है सीआईएसएफ से मिले हैं। उधर बस्तर जिले के दरभा विकास खंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर के 10 प्रवासी मजदूर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। धमतरी शहर के बांसपारा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में आगामी 5 महीने तक देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 1 किलो चना मुफ्त दिया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
उनकी मासिक पात्रता के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना मुफ्त कराया जाना जारी रहेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2020 को राज्य सरकारों को कल ही आदेश जारी कर दिए गए हैं और सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि आगामी कल की आज आज कल कल और सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि अगले 5 महीने के लिए वितरण तुरंत प्रभावी ढंग से प्रारंभ किया जाए। उन्होंने बताया कि योजना के दोनों चरणों के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में राज्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन लगातार जारी है। चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। वहीं पहले 3 महीनों में ही साल भर के लक्ष्य का 66% काम पूरा कर लिया गया है, जिससे ये प्रदेश में दूसरे स्थान पर काम पूरा करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने मनरेगा में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के बावजूद मनरेगा के अंतर्गत तत्परता से शुरू किए गए कार्यों से ग्रामीणों को बड़ी संख्या में सीधे रोजगार मिला। लॉकडाउन के बाद आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी के तहत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वशासी संस्था भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान द्वारा होटल व्यवसाय को पोस्ट कोविड तैयारियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के साथ मिलकर आज से संस्थान ने 3 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम में राज्य के करीब 32 निजी होटल संचालक और राज्य पर्यटन मंडल द्वारा संचालित रिजॉर्ट के 27 प्रबंधक पर्यटन अधिकारी और सूचना सहायक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की प्रबंध संचालक इफ़त आरा ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि पोस्ट कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक प्रशिक्षण के लिए विषयों का निर्धारण किया गया है। टूरिज्म बोर्ड के द्वारा जो हमारे रिसॉर्ट हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के और छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा संचालित, इन सभी के लिए हमारे जो रिसॉर्ट मैनेजर्स हैं और अदर वर्किंग स्टाफ्स हैं, इनके लिए पोस्ट कोविड तैयारियों के किस प्रकार किया जाना है और लोगों में किस प्रकार सुरक्षित उपयोग के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, इसके लिए हमने IITTM जो भारत सरकार की एक संस्था है उसके माध्यम से हमने एक प्रशिक्षण आयोजित किया है। ये प्रशिक्षण 3 दिवसीय है और इनमें सभी ये और ऑनलाइन हो रही है ये ट्रेनिंग, और इसके माध्यम से पोस्ट कोविड जो भी तैयारियां हैं जो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं या पर्यटन मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप तैयारियाँ सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए हमने ये प्रशिक्षण आयोजित किया है। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय ने प्रोटोकॉल के तहत रैपिड रिस्पांस टीम के गठन की योजना भी बनाई है। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थियों को इस टीम में शामिल किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा वार्षिक वृद्धि पर रोक के आदेश के बाद प्रदेश अधिकारी और कर्मचारी फेडरेशन के सदस्य बीती 10 जून से काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं। अब 1 जुलाई को वेतन वृद्धि आदेश जारी नहीं होने से फेडरेशन आगामी 12 जुलाई तक ध्यानाकर्षण अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्यों ने जिलाधीश कार्यालय में प्रदर्शन किया। फेडरेशन के सदस्य RD दीवान ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में सेवा दे रहे कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन वृद्धि जल्द ही बहाल किया जाना चाहिए। प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि मिलता है कर्मचारी अधिकारियों को, उस पर रोक लगा दी गई है, जिसके विरोध में हम लोग पूरे फेडरेशन के माध्यम से 10 जून से काली पट्टी लगा के ध्यानाकर्षण आंदोलन कर रहे थे। चूँकि आज 1 जुलाई है और इंक्रीमेंट लगाने का आदेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए आज हम लोगों ने ध्यानाकर्षण ज्ञापन सौंपा है।
डिप्टी कलेक्टर श्याम सुंदर दुबे ने फेडरेशन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकर्षण करवाया है। संघ के द्वारा जो आज जो है अपने तीन मुद्दों पर ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से जो दिया हुआ, जिसमें पहला जो है कर्मचारियों को जुलाई से जो मिलने वाली महंगाई भत्ते की किस्त है उसको जो है देने के लिए है। दूसरी मांग जो है सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जो है जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको 50 लाख रुपये का बीमा करने के लिए है। तो इस प्रकार से मांगे हैं जो प्राप्त हुआ है उसको जल्द ही जो है शासन को अवगत। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सातवें वेतनमान का एरियर्स भी अभी तक नहीं मिले हैं। राजनांदगांव में कल चिकित्सक दिवस के मौके पर जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। शहर के पुराना अस्पताल परिसर में सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने इस मौके पर एक दूसरे को बधाई दी। श्री चौधरी ने स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के संकट से चिकित्सक और आम लोगों को मिलकर लड़ना है। इसके लिए शासन प्रशासन के द्वारा तय किए गए गाइडलाइंस को सभी को पूरी तरह से पालन करना होगा। समय चल रहा है उसमें बस यही संदेश है मेरी तरफ से कि जब भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, दूरी बनाकर रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। सर्दी खांसी बुखार है तो घर में रहकर मास्क लगाकर ही रहें, उपचार करवाएं और सभी स्वस्थ रहें। इस अवसर पर शहर के लोगों ने चिकित्सकों को फूल भेंट कर उनका सम्मान किया। केंद्र सरकार की ADIP योजना के तहत दिव्यांगों को वितरित किए जा रहे सहायक उपकरण न सिर्फ उन्हें संबल प्रदान कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। प्रदेश के महासमुंद जिले में भी इस योजना से दिव्यांगों को काफी लाभ मिल रहा है। जिले के अछोला गांव में 75 दिव्यांग हैं, इन्हीं में से एक हैं संतराम ध्रुव। संतराम बिजली उपकरण मरम्मत का काम करते हैं। इनके पास एक ट्राईसाइकिल था जिसे इन्हें सुविधा तो थी लेकिन व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये उपयुक्त नहीं था। संतराम ने योजना के तहत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त किया जिससे वे अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं। इन्हीं की तरह छगन लाल और खुनुराम भी योजना के हितग्राही हैं और अब आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हो रहा था सर, जैसे घर से निकलना तकलीफ और मित्र उत्र के साथ मिलने में तकलीफ और जिस इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ तो सामान ले जाने में तकलीफ। हाँ, अभी मिला तो किसी के सहयोग नहीं मांगता, अपन चले जाते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना की तरफ से मिली है और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है। पहले जो परेशानी होती थी वो पहले क्या क्या परेशानी परेशानी बहुत होता था। नहाने लिए जाने में, बाजार बाजार जाने में परेशानी होता था सब। और अब ठीक है सर, हम अपने ऊपर निर्भर है। ADIP की योजना के अंतर्गत मिला है सर। मिला जी। जब आपको ये नहीं मिला था तो क्या तकलीफ हो रही थी? बहुत सारी तकलीफ हो रही थी सर, जैसे कि हम दिनचर्या काम है वो नहीं कर पाते थे, आने जाने में तकलीफ होता था। जब ये आपको मिला बहुत राहत मिला सर, हम आ जा सकते हैं, तालाब जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक धर्मेंद्र साहू ने बताया कि योजना के तहत 40% तक दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण वितरित किए जाते हैं। दो दिन की कैंप थी, इसमें केवल 193 लोग ही चयनित हुए हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है नवंबर माह में कर दिया गया है। पूरे उनको वॉकर है, व्हीलचेयर है, मोटराइज्ड साइकिल है, साइकिल है, प्रोस्थेसिस है जिसको हम नकली हाथ पैर बोलते हैं वो भी बना के दिया गया है। इसके अलावा क्रचेस है, इत्यादि उपकरण जो है प्रदान किए गए। इसमें सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का, तो पहले चरण पे हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड भी कंप्लीट करते जा रहे हैं। साथ ही हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से पत्र भारत सरकार को लिखा था जिसके 5 कैंप स्वीकृत हो गए हैं और जुलाई माह के 2020 के जुलाई माह के लास्ट वीक में 5 कैंप और आयोजित किए जाएंगे जिसमें पूरे जिले को कवर किया जाएगा। गौरतलब है कि इस महीने के अंत तक जिले में सहायक उपकरण वितरण के लिए 5 जगह शिविर लगाए जाएंगे।
और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ऑक्सीजोन का किया लोकार्पण, 4000 पौधे देंगे शहर के लोगों को ऑक्सीजन। बस्तर जिले के दरभा में 10 प्रवासी मजदूर पाए गए कोरोना संक्रमित, देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख पार। मनरेगा के तहत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर। और पर्यटन व्यवसाय को गति देने के लिए रायपुर में केंद्र सरकार के सहयोग से पर्यटन मंडल दे रहा है पोस्ट कोविड प्रशिक्षण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।